इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आज एमटीटीवी इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं अजमेर की हाउसिंग बोर्ड में अवैध इमारतों की खबर। ये खबर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों से जुड़ी हुई है, जहां इन दिनों अवैध तरीके से व्यावसायिक निर्माण धड़ल्ले से जारी है। नियमों के मुताबिक तो रहवासी क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी है, लेकिन अजमेर नगर निगम के अफसर निगम विधान में बने नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं और चांदी कूट रहे हैं। शहर में भले ही इन अवैध निर्माण से पड़ोसी को नुकसान होता रहे, लेकिन अजमेर नगर निगम और राजस्थान आवासन मंडल के अफसरों की कुमकंडी नींद है कि टूटती ही नहीं है। शहर के सागर विहार और वैशाली नगर क्षेत्र में इन दिनों अवैध निर्माणों की बाढ़ आ रखी है। आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खड़े किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे एक आवासीय कॉलोनी में अवैध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने लग गई हैं। नेता अधिकारी रोज इस सड़क से होकर निकलते हैं। सबको पता है इमारतें अवैध हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव और वोट की वजह से आखिर यहां पर अपने हाथ जलाए कौन। आवासन मंडल के नियमों के मुताबिक तो आवासीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण व व्यावसायिक गतिविधियां इलाके में संचालित ही नहीं हो सकती, और इसी आवासीय कॉलोनियों में चल रहे अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की पड़ताल करने पहुंचा है एमटीटीवी इंडिया। देखिए ग्राउंड से ये रिपोर्ट। सागर विहार कॉलोनी जो वैशाली नगर अजमेर में स्थित है, इस वक्त मैं वहां पर मौजूद हूं। नगर निगम की टीम लगातार अजमेर शहर के अंदर अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर तो पूरी की पूरी जो लेन बनी हुई है वो ही पूरी तरीके से अवैध है। कैसे अवैध है, क्या कारण है अवैध इमारत होने के, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं चंद्रेश सांकला, जो पार्षद भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। चंद्रेश जी, ये बताइए कि जो इमारत है जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये इमारत आखिरकार अवैध क्यों है, क्या कारण है अवैध होने का इनके पीछे? अवैध का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हाउसिंग बोर्ड की बसाई हुई कॉलोनी है। दूसरा, इसमें कोई भी कार्रवाई होनी है तो वो हाउसिंग बोर्ड को ही करना है। अब ये जो आवासीय है, लेकिन इसका कमर्शियल अगर ये कराना भी चाहें तो हाउसिंग बोर्ड से नहीं करवा सकते, क्योंकि आज की तारीख में हाउसिंग बोर्ड की स्थिति ये है कि बिना दांत के मुँह हैं उनके, उनके पास कुछ भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है इनके पास, तो उन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं। बीच में हाउसिंग बोर्ड ने नगर निगम के साथ एक करार किया था, उस करार के तहत ये था कि ये अवैध के नोटिस ये जारी करेंगे हाउसिंग बोर्ड वाले, उसी की एक कॉपी निगम को भी देंगे और निगम अपनी टीम प्रोवाइड कराएगी उसको हमको रोकने के लिए, क्यों आज कोई अवैध कार्य यहाँ पे करता है तो ये हाउसिंग बोर्ड वाले इतने सक्षम भी नहीं कि उसका हमको रोक पाए, वो केवल नोटिस दे के ही इतिश्री कर लेते हैं। उसी वजह से जो भूमाफिया हैं, देखिए इसमें दो तरह के लोग हैं यहाँ बनाने वाले भी, एक तो वो लोग कि जिनका खुद का घर है उन्होंने कॉमर्शियल कर लिया, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने धंधे की तरह अपने एक दो पैसा कमाने के हिसाब से किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धंधा ही यही है कि आवासीय खरीदना है और उसको व्यावसायिक बना देना अवैध रूप से और भी बेच देना है, ये 1 करोड़ में खरीदना है, 50 लाख की लागत से बनाना है और 3 करोड़ में उसको बेच देना है। उसमें हमारे कई अधिकारी भी लिप्त हैं, ठीक है, हमारे जो भूमाफिया है वो इसलिए सक्रिय है और उसी की वजह से हाउसिंग बोर्ड शहर के दूसरे हाउसिंग बोर्ड के एरिया, चाहे जनता कॉलोनी ले लो चाहे ये ले लो, सब जगह अवैध ये काम चल रहे हैं, क्योंकि वो प्रभावी रोक नहीं है इन पर, किसी प्रकार के प्रभावी रोक नहीं है। शुभम है हमारे साथ में जो युवा नेता है, मुझे एक बात बताइए कि आप देख रहे हैं नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है इस तरीके से, इस जगह पर इस वक्त जो हाँ मौजूद हैं वहाँ पर भी अवैध निर्माण लगातार जारी है, आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन है इन सब के पीछे और ये रोकेगा कैसे? जिम्मेदार मूर्त रूप से देखा जाए तो जो पीठासीन अधिकारी हैं वो हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है नियमित रूप से अपनी टीम के साथ वार्ड वाइज या शहर में जितने भी जहां अवैध निर्माण हो रहे हैं उनकी शिकायतों को सुनना। कई बार ऐसा होता है कि शिकायतें भी होती है लेकिन अधिकारियों से मिली भगत के चलते भूमाफिया जो इस कार्यक्रम में संलिप्त हैं उसके चलते कार्रवाई नहीं होती है, आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है और ये मंजिल पर मंजिल खड़ी करते जाते हैं। जिस समय मंजिल खड़ी हो जाती है उस समय एक फॉर्मेलिटी के लिए अधिकारी लोग आते हैं और उसको तालाबंदी कर देते हैं, ठीक है, उसके कुछ समय बाद ये भी देखा जाता है कि फलानी बिल्डिंग वापस से शुरू हो जाती है। इसमें गलती हर प्रकार से है,
उस क्षेत्र के जमादार की है, जयन की है, जो लोग मासिक रिपोर्ट देते हैं, नहीं देते हैं, अगर देते भी हैं तो उसमें तथ्यों को छिपा रहे हैं, नहीं छिपा रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, इस तरीके से इमारत बनके तैयार हो जाती है, क्या निगम के अधिकारियों के अंदर आपको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू नज़र नहीं आती है? बिल्कुल बिल्कुल है, इस बात को कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अधिकारियों में लिप्त है, अधिकारियों की लिप्तता के कारण ही इतने बड़े बड़े भू निर्माण या शहर में हो रहे हैं, व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं, आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं, शहर के जहाँ बहुसंख्यक लोग जहाँ रहते हैं, आप चाहें तो शहर के किसी भी क्षेत्र में देखें, जो मेन मार्केट हैं वहाँ हैं, जिस प्रकार से वैशाली नगर में भी हैं, आवासीय कॉलोनियों को, पुराने मकानों को लेकर के भू माफिया उनको व्यावसायिक बना रहे हैं और जो आम जनता है उनको दे रहे हैं, जो व्यावसायिक लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, उनको बेच रहे हैं अच्छे मोटे मुनाफे के तौर पर। अगर मुनाफा अकेला भू माफिया के पास नहीं जाता है ना, इतना बड़ा निर्माण हो रहा है तो अधिकारी चुप हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ क्यों, उसका कोई ना कोई कारण है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन इसमें अधिकारियों की लिप्तता जरूर है। चंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं ये रुकेगा कैसे, नंबर एक इसके बारे में बताएं, और नंबर दो कुछ, क्योंकि आप पार्षद हैं तो निगम के नियमों को बहुत बारीकी से जानते होंगे, इन अवैध निर्माणों के लिए निगम जो आयुक्त हैं उनको बताने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या क्या बनती है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, इसमें हमारे नगरपालिका कानून में सारी गतिविधियां, सारी अवैध जितनी भी कार्य होते हैं उन सब के लिए सिस्टमेटिक काम है, हर चीज़ के लिए सिस्टमेटिक व्यवस्था है हमारे यहाँ। सबसे पहले तो वार्ड का जो जमादार होता है, सरकारी जमादार होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने सेनेटरी इंस्पेक्टर को लिखित में सूचना करें कि यहाँ ये काम चल रहा है। सेनेटरी इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अपने हेल्थ ऑफिसर को इसको इन्फॉर्म करें, हेल्थ ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो हमारे सेक्रेटरी को या फिर हमारे कमिश्नर को इन्फॉर्म करें, एक गतिविधि। सेकंड, वार्ड के अंदर जेईएन भी होता है हमारे, एक जेईएन के अंडर में 6-7-8 वार्ड होते हैं, ठीक है, तो उस जेईएन की ड्यूटी होती है कि कहीं भी अवैध चल रहा है तो उनके पेपर मंगाए, चेक करें, और अवैध लगे तो उनको नोटिस के लिए रिकमेंड करें, नोटिस लेके इनको नोटिस दिलाए और उसके पीछे फाइल तैयार करें जिससे ये काम रुके। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी लिप्तता इन लोगों की है, पहली चीज़। सेकंड कि मान लो जेईएन और ये लोग नहीं लिप्तता रखते हैं तो पॉलिटिकल है, जे मैं भी लीडर हूँ तो पॉलिटिकल भी प्रेशर हो जाता है कई बार, उसलिए काम नहीं कर पाते हैं। अधिकारी भी पॉलिटिकल दब जाते हैं, कहीं किसी का फ़ोन आ जाता है, कैसे आ जाते हैं। अब जैसे हमारी माननीय निगम की जो कमिश्नर हैं चिमनी गोपाल मैम, तो वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो थोड़ी सी स्पीड धीमे हुई है, और उसका कारण मैं समझ सकता हूँ कि वो जितना स्पीड से उन्होंने अपना काम चालू किया था उतना ही उन पर प्रेशर आया है और अलग अलग जगह से आया है, और जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके। तो आप बताएं, जब सारे लोग यूं ही मिले भगत करके करेंगे तो ये अवैध निर्माण रुकेगा कैसे? पैसे की माया बहुत बड़ी है, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है कि अधिकारियों के ऊपर आना शुरू हो गया हो, पर अब ये निर्माण रुकेगा कैसे? दबाव की बात हो गई है, हमने जान लिया है, विश्लेषण भी कर लिया है कि अधिकारियों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी नज़र आता है, बिना भ्रष्टाचार के ये संभव नहीं है इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो जाए, पर रुकेगा कैसे अवैध निर्माण? कैसे संभव होगा कि लोग अपने घरों को कमर्शियल ना बनाएं? इसके लिए तो थोड़ी सी जो एक नागरिक है हमारी जनता, आम जनता, उनको थोड़ा जागृत होना पड़ेगा, सबसे बड़ा रोल उनका है, उनको इस चीज़ का विरोध करना पड़ेगा। अजमेर की जनता सोई भी है, उन्हें अपने अलावा दूसरे से कोई मतलब नहीं है, और जब अपने पे आती है तो वो रोना चीखना चलो हो जाती है, फिर उसको लगता है कोई साथ नहीं दे रहा है, जब दूसरे पे आई थी तो वो साथ नहीं देती है, तो जनता को जागना पड़ेगा, सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता जिस दिन जाग गई, जिस दिन उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाना चालू कर दिया, उस दिन ये अवैध निर्माण रुकना चालू हो जाएंगे। जब रुकना चालू हो जाएंगे, बनना बंद हो जाएंगे, तो खरीदार ही नहीं आएंगे इस चीज़ के लिए, तो ये अवेयरनेस आनी है। कई लोगों को ये रहता है कि जैसे भू माफिया है वो आवासीय में अवैध रूप से व्यवसायिक बना देते हैं, और सामने वालों को बेवकूफ़ इतना आसानी से बना देते हैं कि हम कमर्शियल करा देंगे। उनके परिणाम आप देख रहे हो, आज की तारीख में कितने सीज हो गए, लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिए बेचारों ने, आज बैंक से लोन लेके करोड़ों रुपए लगा के और सीज होने के बाद उनके पैसा फंस गया, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि कमर्शियल क्या है, आवश्यक क्या है, ये कैसे होता है, नक्शा कैसे पास होता है, बिना नक्शे के क्या खरीदना,
देखिए 19-20 में मानता हूँ चलता है, 100% आप चाहो कि पूरा से एकदम सेटअप से तो वो अभी नहीं आ पाएगा उस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ तो 0-20 चल रहा है, यहाँ तो 10-20 चल रहा है कि आधा है आधा है ही नहीं, उसको आप 20 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो रोक जनता से ही शुरुआत होगी और फिर जब जनता जागृत हो जाएगी तो अधिकारी भी ईमानदार होंगे और अवैध निर्माण करने वाले वो भी सतर्क हो जाएंगे। अजमेर की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ये खबर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आवासीय इमारतों के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी से भी जो कहते हैं लोग कि वो व्यावसायिक जो नक्शा है उसको पास करा देंगे, वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस इमारत पर जिस जगह का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ा फैसला आया है DLB का, और वो फैसला भी वो आदेश भी चंद्रेश सांकला खुद लेकर आए हैं। इन्होंने जवाब तलब किया था, इन्होंने शिकायत दी थी और शिकायत के बाद में कुछ निर्देश नगर निगम को दिए गए थे, उस निर्देश पर भी हम बात कर लेते हैं। चंद्रेश जी ये बताइए कि आपने लगातार शिकायत इनकी की थी, कुछ सूचना ये भी है कि DLB ने आदेश दिया इनको तोड़ने के लिए, वो आदेश क्या है? DLB से आदेश नहीं, मैंने एक एप्लीकेशन में सबूत फोटो सब मैंने हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरमैन अभी एग्जिस्टिंग चेयरमैन हैं उनको मैंने दे के आया था, पवन जी अरोड़ा को व्यक्तिगत दे के आया था, और उसके 7 दिन बाद मेरे पास मैंने जिस जिस की शिकायत करी थी उन्होंने 7 दिन बाद मेरे पर रिप्लाई आ गया, उनको सबके नोटिस जो भेजे हैं उनकी कॉपी आ गई मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद एक मेरे पास लेटर उन्होंने भेजा कि जिसमें इनका उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी नगर निगम से एक करार हुआ हुआ है, उस करार के अकॉर्डिंग कि हम जब कभी कोई नोटिस निकालेंगे तो एक नोटिस की प्रतिलिपि नगर निगम को भी देंगे, तो हमारा अधिकारी मौके पर रहेगा, उनको उनकी जो अतिक्रमण निरोधक जो टीम है वो मौके पर भेजनी होगी, उसके बाद वो काम करेंगे, क्यों हमारे पास टीम नहीं है। तो अब इनका ये कहना है कि हम तो जब भी होता है तो हम नोटिस बनाते हैं और हम नगर निगम को भेज देते हैं, लेकिन वहाँ से हमें सहयोग नहीं मिलता है, उसकी वजह से और हम कुछ कर नहीं सकते, उसकी वजह से कुछ कर नहीं सकते हैं। ये एक टेक्निकल पॉइंट आता है जहाँ पर हाउसिंग बोर्ड और निगम के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके बीच में जो टीम का सामंजस्य है, टीम की कमी है, वो कहीं ना कहीं नज़र आती है, लेकिन अजमेर की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। चलिए अब आपको एक ऐसे शख्स के पास लेके चलता हूँ जिसके पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो ये कह रहा है कि ये जो कॉलोनी है इसका ना तो निगम दड़ी दूड़ी है और ना ही अजमेर विकास प्राधिकरण। हम लोग यहाँ पे पूरी कॉलोनी तकरीबन 70 के दशक से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आज मेरी खुद की उम्र 50 साल होने आ रही है, तो 25-30 साल तो मेरे को इस मोहल्ले में रहते हुए हो गए। इसके अंदर यहाँ पे मैंने अभी कुछ वर्षा ऋतु के बीच में यहाँ पे मकानों में पानी भरा था हमारे, जो कि घरों के अंदर पहली बार 4-4 फीट पानी भरा। इस पर मैंने यहाँ के अजमेर के जिला कलेक्टर महोदय से बातचीत करी व्यवस्था कराने के लिए, तो उन लोगों ने हमारे को एक जानकारी दी कि आपका क्षेत्र डूब क्षेत्र है, तो उस पर मेरे को भी जागरूक, क्योंकि हम लोग जागरूक नागरिकों की श्रेणी में ही रहना चाहते हैं और जिएंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांगी कि भई ये हमारा क्षेत्र डूब क्षेत्र है तो मेरे को बताया जाए, और इसकी धनी दोरी कौन है कि इसकी सफाई कौन कराता है, यहाँ जो ये विकास कार्य हो जाते हैं ये कौन कराता है, ये सारी चीज़ें मैंने जानने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग किया। इस पर मेरे पास में अभी तक 2 विभागों के जवाब आए, जिसमें नगर निगम विशेष है जो कि यहाँ पे साफ सफाई करा रहा है, आप देख रहे हो कि चमचम आ रहा है, मेयर साहब का वार्ड है तो चमचम आएगा, परंतु यहाँ पे जब उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि भाई ये हमारे क्षेत्र में हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो मेरे को बड़ा चौंका मैं, तो मैंने कलेक्टर साहब के पास में इसकी जानकारी मांगनी चाहिए कि भाई मुझे ये बताया जाए कि आज जो मैं 70 के दशक से यहाँ पर रह रहा हूँ, ठीक है ना, आज आपने मेरे को ये कह दिया कि डूब क्षेत्र है, ठीक है ना, तो मेरे इन मकानों को या तो मुझे यहाँ से हटा दो, दूसरी जगह मकान दे दो। तो कलेक्टर साहब ने मेरे को इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उल्टा मेरे को बाहर भगा दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने भी पीछा नहीं छोड़ा और दस्तावेज भगाए, जिसके अंदर जो दस्तावेज आए अभी तक मेरे को उनके केवल यही बताया गया है कि ये क्षेत्र हमारे क्षेत्रों में नहीं आता है। तो अब अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई उनका कोई जवाब आ जाए कि भाई किसके है, ताकि मैं उसके पास जाकर के इसके बात तो करूँ कि इस क्षेत्र का होगा क्या। इस गुस्से को और इसको देखते हुए मैं इसको जब तक नहीं पीछा छोड़ूंगा, चाहे मुझे, क्योंकि मुझे इसमें धमकियां भी मिल रही हैं कि आप इस पे काम नहीं करोगे, है ना, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं इसमें और पूरा करके रहूंगा। आपने देखा होगा इधर, आप देखें ये रोड के ऊपर, इस रोड के ऊपर मैं आपके कैमरामैन से ही कहूँगा कि ये देखिए ये सारे अवैध सामने हो रहे हैं इन अधिकारियों के, ये अधिकारी यहाँ से निकलते हैं रोज, ये सारे देखते हैं,
लेकिन इनको कोई नहीं रोकता। आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे जेसीबी चल रही थी मकान के अंदर। रिसेंटली अभी शहर के अंदर एक मकान के पास में जब जेसीबी चल रही थी, पास का मकान गिर गया था। यहाँ हाउसिंग बोर्ड के ये मकान है जिसके ऊपर न तो व्यवसायिक निर्माण कराए जा सकते हैं, नहीं किसी प्रकार की यहाँ पे इनको ऑथराइजेशन मिल सकती है। ये मेरे को हाउसिंग बोर्ड ने जवाब दिया, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर टालम टोली करते जा रहे हैं ये लोग। कोई कहता है नगर निगम का काम है, कोई कहता है उसका ADA का काम है, कोई कहता है साहब ये हमारा काम नहीं है। आम जनता यहाँ पे जो हम लोग रह रहे हैं, इनका धनी दोरी कौन है? मेरे को तो ये बता दे वे कलेक्टर साहब कि इसका धनी दोरी कौन है, ताकि मैं उनसे जाकर के बात तो कर सकूँ कि क्या हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी के अंदर कमर्शियल इमारतें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। कतई नहीं बननी चाहिए। मैंने जब या मेरे बाप दादाओं ने ये मकान खरीदे थे, वो हमने शांति के लिए खरीदे थे कि हम एक रेजिडेंस कॉलोनी में रहेंगे जो कि सरकार से प्राप्त हुई है हमारे को। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई इनोसेंट नहीं होगा कोई यहाँ पे। आज आप यहाँ पे रोज़ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। आप यहाँ पे चले जाएं पाल पे, पाल के ऊपर जा कर के कितने अवैध नशे चलते हैं, अवैध लड़कियाँ आती हैं, अवैध यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं। इन्हीं कॉमर्शियलों के अंदर आप जा कर के देखें, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो कि लड़के और लड़कियों से 200-200 रुपये 100-100 रुपये लेकर के इनको दिन दिन भर बैठा दिए जाते हैं। अवैध काम हो रहे हैं यहाँ पे। हमने सब शिकायतें करके देख ली, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। और ताज्जुब की बात, मज़े की बात आपको और ये बताएं, जैसे कि अभी आपसे भी जानकारी आई है कि चंद्रेश जी ने इसके लिए जो आपको आदेश दिए हैं DLB के, ऐसे ही पूर्व में मेरे को भी मिले थे। नगर निगम हमेशा अपना पल्ला ये झाड़ लेता है कि हमारे पास में जाप्ता नहीं है। अबे तो तुम यहाँ से सीटें खाली करो, तुम्हारी जब औकात नहीं है, तुम्हारी मतलब तुम कुछ कर नहीं सकते तो सीटें खाली करो यहाँ से। क्यों अधिकारियों को बैठा रखा है इनके ऊपर? क्यों नहीं इनको हटा करके दूसरे ऐसे अधिकारी आवे जिनके पावर्स तो हो? ये लोग सब पैसा लेकर के बैठे हुए हैं। इनके घरों की अगर पूंजी अगर देखी जाए नगर निगम के अधिकारियों की, ठीक है ना, स्वास्थ्य अधिकारी जिसके पास मैं गया, स्वास्थ्य अधिकारी कहता है तेरी इच्छा हो जहाँ पे कर जाना। इन लोगों की तो पूंजी चेक करो, इनकी जाँचें कराओ कि इन्होंने कितने करोड़पति अरबपति बन गए। हाउसिंग बोर्ड का एक चपड़ासी करोड़पति बन करके अपने यहाँ पे है ना सारा लेन देन कर रहा है। ये निगम को 100% कार्रवाई करनी पड़ेगी, और नहीं करेगी तो हम लोग करवाना जानते हैं कैसे करनी पड़ेगी। इनके ये बयानों से काम नहीं चलेगा कि हमारे पास जाप्ता नहीं है। जाप्ता नहीं है तो लिखित में दे दे, और ये फिर ये आज के बाद में कोई फिर अजमेर का अतिक्रमण नहीं टूटना चाहिए। देवेंद्र सक्सेना, RTI एक्टिविस्ट हूँ हमारा अधिकार संस्थान से। तो देखा आपने क्या हो रहा है आपके खूबसूरत अजमेर शहर में। खैर अब ऐसा नहीं है कि व्यापारी ही पूरी तरीके से गलत है। दरअसल यहां पर रिहायशी इलाके में व्यवसायिक इमारत बनाने का कारण गलत सरकारी नीतियां और योजनाओं में खामी होना है। शहर में ज्यादातर कॉलोनियां हाउसिंग बोर्ड ADA और हाउसिंग सोसाइटियों ने बनाई है। हाउसिंग बोर्ड और ADA ने इन इलाकों में बाकायदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाए हैं, लेकिन वो कॉलोनी से दूर होने या वहां की जो दरें हैं वो ज्यादा होने के कारण बिक नहीं पाते। ऐसे में व्यापारी को दो मकान या बड़ा मकान खरीदकर वहां कॉम्प्लेक्स बनाना या मकान में दुकान खोलना आसान लगता है। मकान मुख्य सड़क में होने के कारण व्यापारी के लिए ज्यादा आकर्षक भी हो जाता है। वे कॉलोनियों से दूर जाकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जमीन या दुकान खरीदने की बजाय मुख्य सड़क मार्ग का मकान खरीदना ज्यादा पसंद करता है। कॉलोनी से जुड़ा होने के कारण वहां आसानी से ग्राहक भी आ जाते हैं और व्यवसाय भी अच्छा चलने लगता है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड या ADA के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें या जमीनें लंबे समय तक खाली ही रह जाती है, और इसका एक कारण यह भी है कि निजी बिल्डर अच्छा निर्माण करता है और दूसरा वे अपने यहाँ दुकान लेने वालों को बिजली पानी और साफ सफाई की सुविधा भी प्रदान करता है, जबकि ADA या हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर दुकान बनाने से लेकर सारा काम खुद करना पड़ता है। ADA और हाउसिंग बोर्ड इस तरह की कोई सुविधा नहीं देता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण मकानों में दुकानें नहीं चल सकती, कोई व्यावसायिक निर्माण भी नहीं हो सकता। व्यावसायिक निर्माण कराना हो तो पहले भूखंड को रूपांतरण कर आवासीय से व्यावसायिक कराना बहुत जरूरी है। इस नियम के तहत भूखंड को व्यावसायिक कराने में पहले तो नियम बाधक बनते हैं, उसके बाद में दूसरा इसका तरीका इतना खर्चीला और परेशानी वाला होता है कि लोग इसकी बजाय आसान तरीका अपनाते हैं। इसे रोकने का आसान सा तरीका है आवासीय इलाकों में व्यावसायिक निर्माण करने में सहूलियत दी जाए और नियमों को सरल किया जाए, जिससे नगर निकायों को राजस्व भी बढ़ेगा और अवैध निर्माण जो हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे।